Hello, good morning students. Today in 12th class mathematics we are continuing the miscellaneous exercise of integration. Question number 5 तक कर लिए थे, question number 6 से start कर रहे हैं. Question number 6 में integration of 5x upon x plus 1 into x square plus 9 dx. अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अभी हम लोग इसके पार्शियल फ्रैक्शंस निकालेंगे. पार्शियल फ्रैक्शंस में 5x अपॉन x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 9. डिनोमिनेटर को अगर आप देखो तो एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है. तो लीनियर फैक्टर का पार्शियल फ्रैक्शन लिखने का तरीका a अपॉन x प्लस 1, और अगर क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर में अभी हमें एक लीनियर फैक्टर लेना पड़ेगा bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 9. इसका मतलब यह है कि अगर आपको इसको स्प्लिट करना है तो इसके जो कंपोनेंट फ्रैक्शंस आएंगे वो कैसे आएंगे, a अपॉन x प्लस 1 और bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 9. अब क्या करेंगे, अब इसमें 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू a इंटू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 9, ऐसा कुछ आएगा. डिनोमिनेटर दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे. अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग द टर्म्स ऑन बोथ द साइड्स और पुटिंग सम वैल्यूज ऑफ x. x की कुछ वैल्यूज रख लीजिए, जैसे x की वैल्यू माइनस 1 रख लो. x की वैल्यू माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स अगर रखें तो 5 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू ए इंटू, ये वैल्यूज कैसे सिलेक्ट करते हैं हम लोग, वैल्यूज ऐसी सिलेक्ट करते हैं सच दैट वन ऑफ द फैक्टर्स टर्न्स इनटू 0. जैसे x प्लस 1 आ रहा है ना, तो आप x प्लस 1 को 0 बनाने की कोशिश करो, तो कितना रखना पड़ेगा, x की वैल्यू माइनस 1, ये रख लो. तो x की जगह माइनस 1 रखा तो यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी आएगा, एक्स की वैल्यू माइनस 1 है बच्चों, इंटू माइनस 1 प्लस 1 0, तो ये पूरा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो माइनस 5 इज इक्वल टू ए इंटू 10, तो ए की वैल्यू माइनस 1 बाय 2 आ गई. ए की वैल्यू इज व्हाट, माइनस 1 बाय 2. अब इसके बाद क्या करेंगे, बी और सी की वैल्यूज निकालनी है. अब बी और सी की वैल्यूज निकालने के लिए एक्स की वैल्यू 0 रख लो. एक्स की वैल्यू 0 ऑन बोथ द साइड्स, एक्स की वैल्यू 0 अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 0 इज इक्वल टू, यहां पर एक्स की वैल्यू 0 अगर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9a, 0 प्लस 9, इधर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, c बचेगा, x की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये 0 में कन्वर्ट होगा प्लस c, और 0 प्लस 1 यानी 1, तो 9a प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इससे c की वैल्यू मिल जाएगी. तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 9a, तो ये कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ 9 इंटू a की वैल्यू माइनस 1 बाय 2, तो ये आ जाएगा 9 बाय 2. a की वैल्यू आ गई बच्चों इसमें, ए की वैल्यू कितनी, 9 बाय 2. फिर इसके बाद सी की वैल्यू, सॉरी सी की वैल्यू इज 9 बाय 2. अब इसके बाद नेक्स्ट है एक्स की कुछ और वैल्यू रख लो. एक्स की वैल्यू 1 रख लीजिए, चलिए एक्स की वैल्यू 1 अगर रखेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 10a प्लस b प्लस c इंटू 2, x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की है. अब इसके बाद 10a, a की वैल्यू 1 बाय 2 प्लस
टू बी प्लस टू सी, टू बी प्लस टू सी, टू इंटू सी की वैल्यू 9 बाई टू, तो कैंसिल होगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस फाइव, ये तक 10 आ गया, माइनस फाइव और प्लस फाइव मिलकर, माइनस फाइव इस तरफ आ जाएगा प्लस फाइव और फिर 9 इधर आएगा, तो b की वैल्यू बच्चों इससे 1/2 आ जाएगी। ये सारी वैल्यूज आ गई ए बी और सी। अब सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज, तो इसको अगर अभी हम लोगों को सॉल्व करना है तो अभी हम लोग इसको ऐसा लिखने वाले हैं, a माइनस 1/2 अपॉन एक्स प्लस 1, ऐसा कुछ लिख लिया, प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू 1/2 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू इज 9/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। बस अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये सिंप्लीफाइड है, ये जो पार्शियल फ्रैक्शंस वाला पार्ट है इसमें भर थोड़े से कैलकुलेशंस रहेंगे, इंटीग्रेशन वाला पार्ट हमेशा पार्शियल फ्रैक्शंस में बहुत ईजी रहता है। अब जैसे इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे, यह जाएगा माइनस 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, ऐसा लिख लिया, फिर इसके बाद इसको कैसा लिखेंगे, 1/2 एक्स, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 9/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सॉल्व करने पर कैसा आएगा, ये माइनस 1/2 लॉग ऑफ, लॉग में अभी हम लोग मॉड लगा देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू सो दैट दिस इज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 9 को आप टी ले लो तो कितना आ जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt आएगा, तो x dx की जगह dt अपॉन 2 लिख लेंगे, x dx की जगह dt अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 1/4 एक्स डी एक्स की जगह डी टी अपॉन टू, डी टी अपॉन टू और ये टू मिलकर 4 आ जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 आएगा डी टी, और इधर कितना आएगा बच्चों, 9/2 तो बाहर है और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो दिस इज 1/a यानी 1/3 टेन इनवर्स एक्स बाय 3। अब इसमें लास्ट स्टेप भर सॉल्व करना, ये वाला पार्ट अभी हम रफ कर दे रहे हैं, है ना, होप आपने ये सब नोट कर दिया होगा। अब देखो क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 को टी रखा था, ये कुछ गलत लिख दिया है, ये पूरा टी आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 पूरे को टी रखा था, आ जाएगा लॉग टी, इसका आंसर कितना आ जाएगा, लॉग टी बच्चों। अब लॉग टी यानी टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 9 और यहां पर कितना आ जाएगा, प्लस 3/2, 3 और ये 3 कैंसिल होगा, 3/2 टेन इनवर्स एक्स बाय 3 प्लस सी, ये इसका आंसर, माइनस 1/2 लॉग एक्स प्लस 1, परफेक्टली ओके, ठीक। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, वी विल नाउ ट्राई टू स्प्लिट दिस, ऐसा लिख लिया न्यूमरेटर को, ये देखो
माइनस ए प्लस ए तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लग सकता है इसमें। तो कितना आ जाएगा ये सॉल्व करने पर, साइन एक्स माइनस ए कॉस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए साइन ए अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए डीएक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करो, स्प्लिट कर लिया इसको, इसमें ये कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा ये कॉस ए डीएक्स प्लस इसमें भी एक सब्स्टिट्यूशन कर देना, साइन एक्स माइनस ए को आप टी ले लो डिनोमिनेटर को, तो क्या आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, दो इंटीग्रल्स में ब्रेक कर लिया बेटा। ये तो क्वेश्चन सिंपल है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। देखो यह आ जाएगा कॉस ए, बाहर लिख लिया क्योंकि कांस्टेंट है, कॉस ए इज अ कांस्टेंट, बाहर लिख लिया वन का इंटीग्रेशन, और इधर इसको टी लिखा है साइन एक्स माइनस ए को, अभी हम लोगों ने टी लिख लिया, तो ये टी नीचे आ गया कॉस एक्स माइनस ए इंटू डीएक्स। ये देखो कॉस एक्स माइनस ए इंटू डीएक्स को डी टी लिख लिया, ठीक, ये साइन ए कॉन्स्टेंट को बाहर लिख लिया, बस सॉल्व हो गया। ये देखो या क्या कॉस ए वन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, प्लस साइन ए लॉग टी एंड प्लस सी, तो यह आ जाएगा एक्स कॉस ए प्लस साइन ए लॉग टी लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। सो दिस विल बी द आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर सेवन है। अब क्वेश्चन नंबर एट, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट वेरी इजी प्रॉब्लम। देखो इसमें लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज होगी, ई टू द पावर ऑफ लॉग एक्स ई टू द पावर ऑफ लॉग एफ एक्स, ये लॉग का बेस और अगर ये बेस सेम है तो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू, ये सब कुछ हट जाएगा, इसको सिंपल एफएक्स लिख सकते हैं। तो इसमें भी लॉग का बेस स्पेसिफाइड नहीं, मतलब बेस ई है। अब क्या करना पड़ेगा, ये देखो एक और प्रॉपर्टी एम एन लॉग एम अगर लिखा हुआ है तो इसको लॉग ऑफ एम टू द पावर ऑफ एन, ये जो नंबर सामने लिखा है ये पावर में चला जाएगा। तो इसको देखो ई टू द पावर ऑफ, ये जो नंबर है ये पावर में चला जाएगा, ई टू द पावर ऑफ लॉग, ये देखो सामने है मल्टीप्लाइड है पावर में जाएगा। अब
अपॉन ये पावर में चला जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। अब क्या होगा देखो, ये लॉग का बेस और ये बेस सेम है तो ये सब कुछ हट जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर ऑफ 5 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 4। ऐसे ये देखो, ये सब कुछ हट जाएगा, एक्स क्यूब बचेगा, यहां पर भी ये सब कुछ हटकर एक्स स्क्वायर बचेगा डीएक्स। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब कुछ अभी हम ड्रॉप कर दे रहे हैं। एक्स टू द पावर ऑफ 4 कॉमन, एक्स माइनस 1, नीचे एक्स क्यूब कॉमन, तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, एक्स टू द पावर ऑफ 5 ठीक, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा नीचे, सॉरी इधर एक्स स्क्वायर बचेगा बस। इतना सिंपल सा प्रॉब्लम है ये, और इसका इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर ऑफ 2+1 अपॉन 2+1। सो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9, कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, साइन एक्स को टी ले लो तो कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ये डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर, तो अब इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा इसका, साइन इनवर्स एक्स वाई, टी बाय 2 प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो, साइन इनवर्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th में साइन टू द पावर ऑफ 8x माइनस कॉस टू द पावर ऑफ 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ये साइन टू द पावर ऑफ 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर ऑफ 4x का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, अब क्या करेंगे इसमें इसको साइन टू द पावर ऑफ 4x ये देखो क्या किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, ठीक। अब
क्या आएगा? इसमें साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस, इधर पर क्या करेंगे देखना, इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, देखो अच्छे से, इसको साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर और इसको अभी हम लोगों ने कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ऐसे यहां पर किया, अब यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा, ये तो अभी हम अप्लाई कर चुके हैं ना, फिर से अप्लाई करेंगे, यहां पर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये ए है ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर और बीच में प्लस साइन है, तो ये क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ऐसा लिख सकते हैं इसको, तो ये कितना आएगा सॉल्व करने का, देखो दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर रहा है ये भी और ये भी, पहले इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू इधर क्या आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये ए है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये डीएक्स यहां कहीं पर लिख गया। अब देखो जहां जहां पर ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है ये वन आ गया, ये भी वन आ गया, तो क्या बचेगा, ये तो वन आ गया इनटू इसमें से माइनस साइन कॉमन ले ले रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इधर क्या आ गया बेटा यहां पर ये वन आ गया माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये कैंसिल हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस टू थीटा लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा कॉस टू एक्स डीएक्स, और इसको क्या लिख लेंगे कॉस टू थीटा को साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय टू प्लस सी, सो दिस इज व्हाट यू गेट। तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन था बस इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है, क्वेश्चन नंबर 11। कॉस एक्स प्लस ए अब देखो डिनोमिनेटर में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है और दोनों कॉस वाले टर्म्स है, अब इसमें क्या कर सकते हैं अभी हम लोग, वी कैन राइट डाउन दिस एज ये देखो, अगर हम कुछ तो भी ऐसा लिख दें टर्म्स
नीचे वाले कॉस टर्म्स तो बिल्कुल वैसे ही हैं, अभी कुछ नहीं किया। अगर हमारे पास ऐसा कुछ आ जाए तो x और x वाले टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, साइन ऑफ x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, है ना। इसमें जब माइनस करेंगे तो x और x कैंसिल होगा, क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा, है ना। तो साइन ऑफ a माइनस बी तो कॉन्स्टेंट होता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐसा कह सकते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। साइन ए माइनस बी से हम लोगों ने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, और ये वाला जो ए माइनस बी है उसको ऐसा लिख दिया साइन ऑफ ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और फिर क्या किया बेटा, यहां पर एक एक्स जोड़ दिया और यहां पर भी एक एक्स जोड़ दिया, लेकिन ये माइनस साइन के साथ है तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ किया है। अब इससे फायदा क्या होगा, तो देखो फायदा यह है साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस बी, ऐसा लिख लो, एक्सपैंड कर दिया साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, अब क्या करेंगे, अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। अब इसके बाद वाला पार्ट जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ पहला स्टेप भर थोड़ा सा ट्रिकी है, पहला वाला जो स्टेप है कितना आ जाएगा, दिस अपॉन दिस अगर करेंगे तो, साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए बचेगा माइनस दिस अपॉन दिस करेंगे तो साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, ऐसा कुछ बचेगा। ठीक, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इधर पर कॉस एक्स प्लस ए को आप टी ले लो, यहां पर कॉस एक्स प्लस बी को आप टी डैश ले लो, तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस ए इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यानी साइन एक्स प्लस ए डी एक्स की जगह माइनस डी टी लिख सकते हैं, और ऐसे ही कुछ इधर आएगा, इधर पर क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स विल बी इक्वल माइनस डी टी डैश, तो कितना आ जाएगा, वन अपॉन साइन ए माइनस बी तो बाहर है, और दो इंटीग्रल्स में ब्रेक कर दिया है, साइन एक्स प्लस ए डी एक्स साइन एक्स प्लस ए डी एक्स की जगह माइनस डी टी अपॉन टी, और यहां पर क्या है बेटा, साइन एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह साइन एक्स प्लस माइनस डी टी डैश अपॉन टी डैश, बस ये आ जाएगा वन अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी, ये आ जाएगा माइनस लॉग बी लॉग टी सॉरी एंड प्लस लॉग टी डैश, लॉग टी डैश की वैल्यू मालूम है, टी भी मालूम है, तो यह आ जाएगा यहां पर लिख दे रहे हैं वन अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस लॉग टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, कॉस एक्स प्लस ए प्लस लॉग कॉस
प्लस सी, दिस इज द आंसर. सो दिस फिनिशेस व्हाट क्वेश्चन नंबर 11th. अब आज के लिए बच्चों इतना ही. वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑन द नेक्स्ट. दैट्स ऑल फॉर टुडे.